नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अरुणाचल में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.0 रही तीव्रता। रतन टाटा ने शेयर की अपने स्कूली दिनों की तस्वीर, यूजर बोले आप लेजेंड है सर। भारतीय मौसम विभाग, अब तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान, जिलेवार में मिलेगी चेतावनी। गुजरात के वडोदरा के मकरपुरा में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म, आरोपी धरा। ताइवान पर भारत का चीन को जवाब, पूरी तरह से मुक्त है हमारा मीडिया। केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा कि हम फेक न्यूज के खतरों से वाकिफ, इसके निपटने को बनाए कानून। ग्रीन पीस इंडिया के मुताबिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में आई कमी, फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक। मणिपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता। महाराष्ट्र में पुलिस ने जब्त किया 20 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग। सहकारी बैंक घोटाले में डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ नहीं मिले सबूत, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। शोध में खुलासा, आधुनिक खेती में नाइट्रस ऑक्साइड का अंधाधुंध इस्तेमाल, जलवायु के लिए खतरा। केरल में सीएम से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगे ठोस सबूत। जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की एलटीसी सुविधा 2 साल बढ़ी। ईएसआई ने कहा कि महामारी के बीच सभी दिव्यांग कर्मचारियों को हर महीने मिले लाभ। वी श्रीनिवास ने कहा कि कोरोना महामारी ने भारत के प्रशासन मॉडल को नए सिरे से किया परिभाषित। भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर अमेरिका और फ्रांस के राजदूतों ने भी दी बधाई। लीबिया में 7 भारतीयों को मुक्त कराने के प्रयास जारी, पिछले महीने हुआ था अपहरण। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी नेताओं की न्यायपालिका विरोधी टिप्पणी लोकतंत्र के लिए खतरा। भाजपा ने कहा कि बंगाल में नहीं बचा लोकतंत्र, ममता बनर्जी लोगों का भरोसा गंवा रही। वायु प्रदूषण की मार झेलेगा उत्तर भारत और एनसीआर, पराली जलाने में हुआ 5 गुना इजाफा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आज जांच एजेंसी को सलाह देना मीडिया का काम है। अक्टूबर के अंत में हो सकती है भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता, रिश्ते होंगे और मजबूत। भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान मूल मुद्दे को हल करे। बिहार चुनाव प्रचार में उतरेंगे ठाकरे पिता पुत्र, शिवसेना ने 20 प्रचारकों की सूची जारी की। ब्रिटेन ने भारत से कहा कि कानूनी समाधान तक माल्या को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता।